शनिवार को क्या करें क्या नहीं, अगर नहीं जानते तो जान ले। जिस तरह हफ्ते का हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है, ठीक उसी तरह से शनिवार का दिन सूर्य पुत्र शनिदेव को समर्पित है। शास्त्रों के मुताबिक शनि भगवान व्यक्ति के कर्मों के हिसाब से उसे सजा देने का काम करते हैं। ऐसे में इन्हें नाराज करना लोगों को भारी पड़ सकता है। कहते हैं कि शनिदेव की कुदृष्टि अगर किसी व्यक्ति पर पड़ जाए तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अगर आप भी शनिदेव को नाराज नहीं करना चाहते हैं तो इन कामों को शनिवार के दिन भूलकर भी न करें। क्यों की जाती है शनिदेव की पूजा? शनिदेव को काल और न्याय का देवता माना जाता है। कहते हैं कि शनिदेव हर व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं, इसलिए उन्हें कर्म फलदाता के नाम से भी जाना जाता है। वहीं लोग शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा व्रत के साथ साथ उनसे जुड़े कुछ उपायों को भी करते हैं। शनिवार के दिन न करें ये काम। नंबर 1, शनिवार का दिन भगवान शनिदेव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। शनिवार के दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उनके सामने तेल का दीपक जलाकर रखा जाता है। इसके अलावा शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान भी किया जाता है। शनिवार के दिन तेल का दान करना लाभकारी माना गया है, लेकिन भूलकर भी इस दिन बाजार से सरसों का तेल नहीं खरीदना चाहिए। जो व्यक्ति शनिवार के दिन सरसों का तेल खरीदता है उसके जीवन में तमाम तरह के कष्ट आते हैं। नंबर 2, शनिवार के दिन काले रंग का कपड़ा खरीदना अशुभ माना जाता है। हालांकि इस दिन काला कपड़ा पहनना और दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि इससे आप शनि की बुरी नज़रों से बचे रहते हैं। नंबर 3, शनिवार के दिन लोहा या फिर लोहे से बनी हुई किसी भी चीज़ की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। अगर आप शनिवार के दिन कार या फिर अन्य कोई लोहे के उपकरण आदि खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो उसे टाल देना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिवार के दिन लोहे की चीज़ें खरीदना अशुभ होता है। नंबर 4, शनिवार के दिन अगर आप नमक खरीदते हैं तो इसे खरीदना बंद कर दें। शनिवार के दिन नमक खरीदना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इससे घर में दरिद्रता आती है और परिवार के सदस्यों के बीच कलह पैदा होती है। नंबर 5, शनिवार के दिन काली उड़द की दाल का दान करना शुभ माना जाता है, लेकिन इस दिन काली दाल नहीं खरीदना चाहिए, इससे शनि दोष में वृद्धि होती है। नंबर 6, शनिवार के दिन काले रंग के जूते खरीदने से बचना चाहिए। जो लोग शनिवार के दिन काले जूते खरीदते हैं उन्हें कार्य में सफलताएं बहुत ही देरी से मिलती हैं। नंबर 7, तांबे का बर्तन का शनिवार के दिन दान करने से व्यापार में घाटा हो सकता है, इसलिए शनिवार के दिन तांबे से बनी कोई भी वस्तु को भेंट में देना आपके लिए भारी पड़ सकता है। नंबर 8, शनिवार के दिन कोयला खरीदना भी अच्छा नहीं माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार शनिवार के दिन कोयला खरीदने से शनि दोष लगता है, इसकी वजह से हर काम में रुकावट आती है। इसके अलावा इस दिन काजल, कैंची और झाड़ू खरीदना भी अशुभ माना जाता है। नंबर 9, वैसे तो किसी भी दिन किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन शनिवार के दिन किसी भी गरीब, मेहतर, अंधे, अपंग और किसी मजबूर महिला का किसी भी तरह से अपमान ना करें, वरना आपको शनिदेव की क्रूर दृष्टि का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 10, मान्यताओं के अनुसार शनिवार के दिन किसी भी व्यक्ति को पैसे का उधार लेन देन करने से बचना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति किसी से पैसों का उधार लेन देन करता है तो उसका धन कहीं अटक सकता है, हो सकता है कि उसे अपना पैसा वापिस ही ना मिले। नंबर 11, शनि ऐसे लोगों से सख्त नाराज होते हैं जो किसी का अनादर करते हैं, खास तौर पर अपने घर के बुजुर्गों का। इसलिए अपने घर के बुजुर्गों का अनादर न करें, साथ ही किसी छोटे कर्मचारी आदि के साथ भी बुरा व्यवहार न करें। शनिवार के दिन जब भी घर से निकलें बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर ही निकलें। नंबर 12, हिंदू धर्म में सात्विक भोजन करने की सलाह दी जाती है। ऐसे में भूलकर भी शनिवार के दिन मांसाहारी भोजन और शराब जैसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव रुष्ट हो सकते हैं, जिससे आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। शनिवार के उपाय। नंबर 1, इस दिन सुबह उठकर स्नान आदि करें। इसके बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर शनिदेव की पूजा करें। नंबर 2, शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसमें काले तिल भी डालें,
मान्यता है कि इससे घर में धन यश और वैभव की वृद्धि होती है। नंबर तीन, शनिवार को पीपल के 11 पत्तों से एक माला बनाकर मंदिर में जाकर शनिदेव को चढ़ाएं, इससे जीवन में आ रही तमाम परेशानियां दूर होती हैं। नंबर चार, शनिवार को काले कुत्ते को सरसों के तेल लगी रोटी खिलाएं, इस उपाय से कुंडली में राहु केतु दोष दूर होता है। नंबर पाँच, शनिवार के दिन कौवे को रोटी खिलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, इसलिए शनिवार को कौवे को खाना जरूर खिलाएं, इससे आपकी बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाता है, जीवन में आ रही परेशानियां अपने आप खत्म हो जाती हैं। नंबर छः, शनिवार को काला छाता, काले जूते, काले तिल, काली उड़द और काले वस्त्र का दान करें, ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। नंबर सात, शनिवार को शनि रक्षा स्रोत का पाठ करना भी लाभदायक रहता है, इसलिए इस दिन शनि रक्षा स्रोत पाठ कर शनि देव से साढ़े सती डैया या शनि दोष से रक्षा की प्रार्थना करें, इससे शनि देव आपके सारे दुख दूर करते हैं। नंबर आठ, अगर आपकी सफलता में कठिनाई हो रही है, लाख कोशिशों के बाद भी आप अपने काम में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे में आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में कच्चे सूत के धागे को 7 बार लपेटें, ऐसा करते समय मन में शनिदेव का ध्यान करें, ऐसा करने से आपकी उन्नति के मार्ग में कोई परेशानी नहीं आएगी। नंबर नौ, शनि मंदिर जाएं और शनिदेव की पूजा करें, उनकी कृपा और आशीर्वाद पाने के लिए प्रार्थना करें, और यदि आपने जाने अनजाने में कोई गलती की हो तो माफ़ी मांगें। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और उपयोगी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, और आगे भी ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।